किसी की मदद के लिए धन की जरूरत नहीं होती, बल्कि उसके लिए एक नेक मन की जरूरत होती है। और ऐसा जज्बा जिला परिषद कुल्लू के अध्यक्ष पंकज परमार में कूट कूट कर भरा है। यही जज्बा एक बार फिर जिला परिषद कुल्लू के सबसे युवा अध्यक्ष पंकज परमार में उनकी हाल ही में श्रीखंड यात्रा के दौरान भी देखने को मिला। बेस कैंप सिंगार्ड से श्रीखंड महादेव की चोटी तक की करीब 32 किलोमीटर की इस खतरनाक चढ़ाई वाली देश की सबसे खतरनाक धार्मिक यात्राओं में शामिल इस यात्रा में जहां श्रद्धालुओं की हालत खराब हो जाती है, ऐसी यात्रा में जहां खुद चल पाना कठिन रहता है, वहीं पंकज परमार ने इस यात्रा में रेस्क्यू टीम का साथ पकड़ा और रास्ते में हर जरूरतमंद यात्री की मदद की। पंकज परमार 14 जुलाई को श्रीखंड यात्रा पर रवाना हुए थे और यात्रा के दौरान आगरा के एक यात्री के जूते नाले के बर्फीले पानी से गीले हो गए तो उसे बुखार हो गया। पंकज परमार ने अपने सूखे जूते उसको पहना दिए और उसके गीले जूते खुद पहने। एक महिला यात्री उतराई उतरते जब फिसल कर चोटिल हो गई तो पंकज परमार ने न केवल उसकी मरहम पट्टी की बल्कि उसकी स्वेटर गीली होने और अपने सूखे कपड़े उतार उस महिला को पहना दी, जबकि कई घायल यात्रियों को रेस्क्यू टीम के साथ मिलकर पड़ावों तक पहुंचाया। यहां तक कि भीम डवारी से आगे जहां यात्रियों को नाले के बर्फीले पानी में से गुजरना पड़ रहा था, वहां खुद उस नाले में पत्थर डालकर रास्ता बढ़िया बनाने का प्रयास किया। ऐसा पंकज परमार ने पहली बार नहीं किया, बल्कि इससे पहले दिवाली के दिन अपने आंगन की लाइट और खम्बा उखाड़ कर गुफा में रहने वाली विधवा के द्वार लगाकर उसका आंगन रोशन किया तो कुल्लू जिला के गाड़ा पाटली पंचायत में अग्निकांड पीड़ितों को राहत सामग्री अपनी पीठ पर कई घंटों की चढ़ाई चढ़कर पहुंचा डाली थी। आनी के ठोगी गांव के दौरे के दौरान जब पैदल सफर करते रास्ते में बोझ उठाए थका अधेड़ मिला तो उसे पहचान बताए बिना उसका बोझ अपने कंधे पर उठाकर गंतव्य तक पहुंचा दिया था। हालांकि इन सबके लिए उनके विरोधी उनको ट्रोल करते हैं, इसे राजनीतिक ड्रामा करार देते हैं, लेकिन पंकज परमार इन सबसे विचलित हुए बिना बाकी सभी राजनेताओं उन्हें ट्रोल करने वालों को सिर्फ इतना संदेश देते हैं कि बहके ही दिखावा करें पर जीवन में दूसरों की मदद करने की आदत जरूर डालें। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए आनी से जितेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइफ टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी। हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजें अपना वीडियो 82198-00003 या 82198-00004।